दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल अनिल ठाकुर ऑफिशियल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल पे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले यूट्यूब पर मिल सके। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप यूट्यूब पर अपने जो सोर्स का सेक्शन होता है जो कि एक्सप्लोर की जगह अब ले चुका है नए अपडेट के बाद, तो आप उसे कैसे रिमूव कर सकते हैं और उस जगह वापस कैसे एक्सप्लोर का पेज ला सकते हैं। सो यहाँ पे आप देखिए, जैसे कि आप यूट्यूब पर जाते हैं तो यूट्यूब पर जाने के बाद जो आपको नीचे यहाँ पे सोर्स का सेक्शन दिखाई देता है, इसकी जगह पहले आपको एक्सप्लोर यानी कि ट्रेंडिंग टैब दिखाई देता था जिसमें आपको ट्रेंडिंग व्यूज दिखाई देती थी, लेकिन अब वो आपको ऊपर की साइड दिखाई देता है। तो आप इसे कैसे ऊपर से वापस नीचे ला सकते हैं और सोर्स का सेक्शन कैसे डिलीट कर सकते हैं, तो इस बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन मैंने उसमें आपको दूसरे ट्रिक के माध्यम से समझाया था। लेकिन आज की वीडियो थोड़ी अलग है और यहाँ पे मैं अलग ट्रिक के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली सबसे पहले आपको जाना है अपने फोन की सेटिंग्स में, और अपने फोन की सेटिंग्स में आने के बाद आपको इसको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है और नीचे आ जाना है। नीचे आने पर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा लैंग्वेज एंड रीजन का, ये आपको एडिशनल सेटिंग में भी दिखाई दे सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी कंपनी का फोन है और आपका कौन सा मॉडल है, तो ये सब फोनों में अलग अलग होता है। कुल मिला के आपको यहाँ पे अपने फोन की लैंग्वेज चेंज करनी है, तो यहाँ पे लैंग्वेज चेंज आपको कैसे करनी है, जैसे कि आपका रीजन यहाँ पे इंडिया आपको कर देना है ऊपर, और नीचे जो आपकी लैंग्वेज आती है इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपने यहाँ पे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स या फिर इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम या फिर इंग्लिश इंडिया कर रखा है तो उसे आपको चेंज करके हिंदी कर देना है। जैसे आप हिंदी कर देंगे आपको ऊपर डन का ऑप्शन दिखाई देने लग जाएगा, तो इस पे आपको क्लिक करना है और यहां पे चेंज टू हिंदी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, अगर आपने पासवर्ड लगाया हुआ है तो आपको पासवर्ड यहां पे टाइप कर देना है ताकि आप वेरीफाई कर सकें। जैसे आप ये चीज कर देंगे तो आपकी लैंग्वेज हो जाएगी, आपके फोन की जो डिफॉल्ट लैंग्वेज होती है वो यहां पे कुल मिलाकर चेंज हो जाती है। जब ये चेंज हो जाती है आपको वापस इसको बैक करना है और अपने होम पेज पे आ जाना है फोन के, और जैसे ही आप अपने होम पेज पे आएंगे तो यहां पे जो आपकी सेटिंग्स है रीलोड हो जाएगी, और यहां पे आने के बाद आपको दोबारा से अपने YouTube के एप्लीकेशन पे जाना होगा। तो यहां पे देखिए, जैसे हम अपने YouTube के एप्लीकेशन पे जाते हैं तो यहां पे लैंग्वेज जो है वो हिंदी हो चुकी है, और आप नीचे देख सकते हैं यहां पे आपको और जाने का ऑप्शन दिखाई देता है जो कि एक्सप्लोर का ऑप्शन है या फिर ट्रेंडिंग पेज भी आप कह सकते हैं। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने पर आप यहां पे ट्रेंडिंग पेज पर आ जाएंगे और आपका जो शॉर्ट्स का सेक्शन यहां पे दिखाई देता था वो यहां से डिलीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो में बताई गई ये ट्रिक भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है या फिर आपको हमसे कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन YouTube पर रेगुलर मिलती रहे। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।